कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से टॉप 5 अपडेट्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है और हर एक कैटेगरी के लिए ये बहुत खास अपडेट है। वन बाय वन मैं बता देता हूँ। फर्स्टली बात करेंगे बैकलॉग के बारे में, ठीक है, उसमें भी कुछ अच्छी अपडेट्स है और ये क्रिटिकल सिचुएशन क्यों है और इसको कैसे हमको फेस करना पड़ेगा उस चीज के बारे में। दूसरी कनाडा वर्क परमिट वालों के लिए नए प्रोग्राम के बारे में है, ठीक है, बहुत खास अपडेट है, बहुत लोग वेट कर रहे थे इस चीज का। तीसरी अपडेट है कनाडा ने जो फंड्स है उसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दी है, ठीक है, कितनी इंक्रीज की है उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नैनी वालों की बात करेंगे और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेटिव होती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हमेशा कोशिश करता हूं एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। किसी भी तरह की आप वीजा फाइलिंग हमारे साथ करना चाहते हो, स्टूडेंट वीजा एसओपी में कोई हेल्प चाहिए, आईएलटीएस की 1-to-1 कोचिंग चाहते हो, स्कोर नहीं आ रहे तो नंबर यहां पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे बैकलॉग के बारे में। 2.1 मिलियन का बैकलॉग कनाडा इमिग्रेशन ने इस समय डिस्क्लोज किया है कि इतना बैकलॉग पड़ा है, राइट। बहुत सारे लोग उस चीज को लेकर वरीड कर रहे हैं, बट एक चीज यहां पर हमें समझनी पड़ेगी कि बैकलॉग इंक्रीज क्यों हुआ। हर एक बंदा ये चीज तो नहीं समझ रहा कि रिजल्ट नहीं आ रहे जी, बहुत सारे लोगों के रिजल्ट विद इन अ वीक आ रहे हैं, कुछ लोगों की एप्लीकेशन जो विस्टर वीजा की है वो सितंबर की स्टक हुई है, नवंबर की स्टक हुई है, उनके रिजल्ट नहीं आ रहे। तो आप एक चीज देखिए, लास्ट ईयर 2021 से पहले जब कनाडा ने नया पोर्टल इंट्रोड्यूस किया था कि अगर आपने विस्टर वीजा के रिजल्ट फास्ट लेने हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस समय बैकलॉग है वो विस्टर वीजा की एप्लीकेशन काफी ज्यादा है, स्टूडेंट का तो फिर भी क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो तब क्या हुआ, आप ये चीज देखिए कि पिछले 6 महीने में बहुत ही ज्यादा बड़े नंबर्स में विस्टर वीजा, टूरिस्ट वीजा कनाडा के अप्लाई किए गए और जो 2021 के फर्स्ट 6-to-7 months से उनमें इतनी सबमिशन नहीं हुई है जितनी के लास्ट 2020 में, और लास्ट 5 महीने में बहुत ही ज्यादा बड़े नंबर्स में सबमिशन हुई है। फिर भी कनाडा इमिग्रेशन की दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने बहुत बड़े नंबर्स पर जो है रिजल्ट इश्यू किए। तो दूसरी चीज, इस समय जो करंट रिजल्ट का टाइम लग रहा है विस्टर वीजा चाहे वो स्टूडेंट वीजा, ठीक है, आपने भी प्रिडिक्ट किया होगा ये चीज के 1 month से लेकर 4-5 months के बीच का मैक्सिमम टाइम लग रहा है 90+ एप्लीकेशन को, 90% एप्लीकेशन के रिजल्ट इन समय में आ रहे हैं। तो अगर सितंबर या नवंबर की भी एप्लीकेशन है ना आपकी किसी कैटेगरी की, तो कभी भी वो क्लियर हो सकती है। बट यहां पर हमारी तारीफ करनी डेफिनेटली बनती है कि इतने बैकलॉग के कारण फिर भी वो काफी ज्यादा बड़े नंबर्स में कनाडा इमिग्रेशन है जो रिजल्ट दे रहा है। बट आने वाले दिनों में जुलाई से कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम बिल्कुल रिफॉर्म होने वाला है क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ भी कंडक्ट होने हैं, ठीक है, तब कनाडा डेफिनेटली बैकलॉग के ऊपर वर्क करेगा और तब तक बहुत ज्यादा नंबर्स में बैकलॉग एलिमिनेट भी हो जाएगा। बहुत पेशेंस रख लिया, थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है जी, वर्क परमिट वालों के लिए है। बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स रिलेटिव कनाडा में रहते हैं, ठीक है, दे आर लुकिंग फॉर पीआर ऑप्शंस क्योंकि पीआर हर एक के बस की बात नहीं है। कनाडा में बंदा विस्टर चला जाता है, वर्क परमिट कन्वर्ट करवा लेता है, बट उसके बाद उसके पास ऑप्शंस जो इस समय कंपटीशन है, ठीक है, वो तो जो एजुकेटेड लोग हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत टफ है। तो ऐसे में जो टेम्पररी फॉरनर वर्कर हैं जिनके पास लेस एजुकेशन है, ठीक है, या जिनका स्टेटस मेंटेन नहीं है कनाडा में, उनके लिए आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रोग्राम कनाडा इंट्रोड्यूस करने वाला है। रिसेंटली इसकी जो चर्चा है वो पार्लियामेंट में भी हो चुकी है और पार्लियामेंट में जो चर्चा होने के बाद 120 डेज दिए गए इमिग्रेशन मिनिस्टर को कि आप इस चीज को डेफिनेटली सॉर्ट आउट कीजिए बिकॉज टेम्पररी फॉरनर वर्कर्स चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के हो, ठीक है, फार्म वर्कर हो या और कैटेगरीज जिनकी कह सकते हैं कि एक इंजीनियरिंग लेवल की जैसे जॉब होती है, ठीक है, उसकी रेपुटेशन ज्यादा होती है, कुछ जॉब्स ऐसी होती है जिसमें लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा लेबर है भी बट उसके जो ऑप्शंस हैं पीआर के वो बहुत ही कम होते हैं। तो आने वाले दिनों में जो लोग कनाडा में इलीगल स्टेटस पे हैं, ठीक है, या जो लोग पीआर के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, टेम्परेरी फॉरनर वर्कर भी हैं और अपनी जो वर्क परमिट बार बार एक्सटेंड करा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट आने वाली है कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से। और जो मिनिस्टर ने पूरी इंटरव्यू दी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में, आप उसको खुद चेक कर सकते हो। कनाडा प्रूफ ऑफ फंड्स हमेशा एक हॉट टॉपिक बना रहता है और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्ड अपडेट, कनाडा ने जो प्रूफ ऑफ फंड्स है, ठीक है, वो आने वाले दिनों में जून मंथ में इंक्रीज कर दिए। बट ये किन के लिए इंक्रीज किए, ये किए हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए। जी हाँ,
बहुत सारे लोग ये चीज सोचेंगे कि टूरिस्ट वीजा के लिए इंक्रीज किया, क्योंकि कल से दो तीन वीडियोस देखी है मैंने जिसमें कंफ्यूजिंग क्रिएट हुई है कि फंड्स कनाडा ने इंक्रीज कर दिए, बट ये एक्सप्रेस एंट्री के लिए किए हैं। और दूसरी चीज, जिनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री में है और उनको जो AOR एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट आ चुका है, इनविटेशन आ चुकी है, जिनकी एप्लीकेशन प्रोसेस में है, उनके लिए फंडिंग इंक्रीज नहीं हुई है, वो अपनी एज इट इज एप्लीकेशन है जो प्रोसेस वो कर सकते हैं। तो दूसरी चीज ये है, ये आने वाले जो 6 months हैं, ठीक है, उनमें इस चीज का इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री का जो सिस्टम है वो दोबारा से, जैसे FSW के ड्रॉ नहीं निकले हैं, ठीक है, वो दोबारा से रिफॉर्म होने जा रहा है जुलाई में, तो थोड़े से चैलेंजेस इमिग्रेशन के पास भी आएंगे, इसीलिए उन्होंने प्रूफ ऑफ फंड इंक्रीज कर दिए। पहले उन्होंने जो इमिग्रेशन की फीस थी, ठीक है, कुछ कैटेगरीज को लेकर उसको भी इंक्रीज किया था, तो बट जिन लोगों की ऑलरेडी एप्लीकेशन लगी हुई है, ठीक है, या इन प्रोसेस है, उनके लिए ये अपडेट नहीं है। जो नई एप्लीकेशन जो प्लान कर रहे हैं उनके जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं वो कनाडा इमिग्रेशन ने इंक्रीज कर दिए आने वाले दिनों के लिए। उसके बाद बात करेंगे नैनी वालों की और जो वर्क परमिट की एप्लीकेशन है, चाहे वो स्पाउस डिपेंडेंट है, चाहे वो LMI वर्क परमिट है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हमारे बारे में बात नहीं करते हो, ठीक है। देखिए गाइस, नैनी वालों की बहुत कम अपडेट्स आती है, क्योंकि इमिग्रेशन मिनिस्टर हो, चाहे CIC न्यूज हो, चाहे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हो, IRCC हो, ट्विटर के ऊपर बहुत ही कम अपडेट्स लेकर आते हैं। बट इस समय की जो करंट अपडेट है, नैनी की जो एप्लीकेशन है 2020 की प्रोसेस हो रही है, 2019 की भी हो रही है, और ये जो बैकलॉग है नैनी का, ये भी जून लास्ट तक उनको क्लियर करना पड़ेगा, फिर ही वो 2021 की एप्लीकेशन को उठा पाएंगे। तो जिनकी बैकलॉग में एप्लीकेशन स्टक है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं 2020 की है या 2019 की है, ठीक है, तो उन एप्लीकेशंस के रिजल्ट जुलाई से पहले पहले आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्पेशली नैनी वीजा वाले, ठीक है जी। वर्क परमिट की एप्लीकेशन है, जैसे LMI बेस्ड वर्क परमिट है, ठीक है जी, बहुत सारे जो बिजनेस है पहले रनिंग में नहीं थे, अब कनाडा बैक टू नॉर्मल आ चुका है, कोविड ना के जो केसेस है वो भी एक हिसाब से एलिमिनेट या डिस्क्रिमिनेट हो चुके हैं, राइट, तो बिजनेस रनिंग में, और इंट्रा कंपनी ट्रांसफर है जहां बेसिक LMI जो रेगुलर क्लोज वर्क परमिट लगते हैं उनके रिजल्ट भी आ रहे हैं। टाइमलाइन कम शेयर करते हैं लोग, नो डाउट, यूट्यूब के ऊपर स्टूडेंट की ज्यादा शेयर करते हैं, बट काफी ज्यादा बंदे मेरे टच में हैं, उनके भी रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं, किसी को रीमेडिकल की रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, कुछ एप्लीकेशन सितंबर की थी, नवंबर की थी, उनका जो क्लियर भी हो चुका है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी है, रिसेंटली हमारे एक दो क्लाइंट्स ने शेयर की थी, मैंने बोला भी था कि आपके साथ टाइमलाइन शेयर करूंगा, तो उनके रिजल्ट भी आ रहे हैं। बट जो नया सिस्टम रिफॉर्म होना है उससे पहले अगर इन कैटेगरीज को वो एलिमिनेट करेंगे, इनके बैकलॉग को एलिमिनेट करेंगे, इनकी एप्लीकेशन को एलिमिनेट करेंगे, देन ही वो आगे जो दूसरी एप्लीकेशन है, रेस्ट ऑफ दी एप्लीकेशन, उनके ऊपर कनाडा इमिग्रेशन वर्क कर पाएगा। कनाडा स्टूडेंट वीजा वालों के रिजल्ट रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, नो डाउट, बट यहां पर एक चीज अच्छी देखने को मिली है कि नॉन एसटीज की कुछ एप्लीकेशन जो PTE के ऊपर बेस्ड थी, अच्छे स्कोर थे, ठीक है, 60+, उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और जो नॉन एसटीज की एक में 5.5 की एप्लीकेशन है, राइट, उनके भी अगर 10 एप्लीकेशन लगी, मैं डीमोटिवेट नहीं करूंगा, यहां पर जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वो आपके आगे हमेशा प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, तो उनका सक्सेस रेट PTE के जो बच्चों के स्कोर है उनके मुकाबले थोड़ा सा कम है, नो डाउट, बट आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सक्सेस रेट इतना इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि SDS और अदर कैटेगरीज या और कंट्रीज में भी आ चुका है, तो ऐसे में जो वीजा का रेशियो है, जो वीजा का कोटा है, उस पर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। तो प्लीज अपना जो आल्स है वो इम्प्रूव कर लीजिए, बट बाकी दूसरे जो रिजल्ट है कंटिन्यूसली आ रहे हैं, पिछले 5-7 दिन से स्पीड स्लो थी, नो डाउट, जैसे मैंने पहले एक वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, बट आने वाले दिनों में ये स्पीड बैक टू नॉर्मल डेफिनेटली आएगी, जैसे मिड ऑफ मई के बाद सितंबर के जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली आउट होने स्टार्ट हो जाने बड़े नंबर्स में। अभी भी अगर 10 एप्लीकेशन के रिजल्ट हैं, जैसे अप्रैल के लास्ट में एक या दो रिजल्ट सितंबर के आते थे, अब हम कह सकते हैं कि 3 से 4 या 5 तक भी रिजल्ट है जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप सितंबर इनटेक के। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो, कुछ अपडेट्स कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से, हर एक बंदे के लिए अपडेट खास थी, इसलिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज जब आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं जो काम कर रहा हूं आप उसको अप्रिशिएट करें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.